नकारात्मक ऊर्जा। आप में से बहुत से लोगों को कभी ना कभी नकारात्मक ऊर्जा होने का एहसास कहीं ना कहीं तो ज़रूर हुआ होगा, जिसके निवारण के लिए आप में से कई लोग कई तरह के उपाय भी करते रहे होंगे। लेकिन आप में से कई लोग ये नहीं जानते हैं कि आपकी ही किसी एक छोटी सी गलती की वजह से आपके घर तक नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्ति को हम कैसे पहचान सकते हैं, आइए जानते हैं। आपने कभी ना कभी ये ज़रूर गौर किया होगा कि घर की कोई चीज़ जल्दी जल्दी ख़राब होने लगती है या परिजनों के साथ हमेशा तनाव का माहौल बना रहता है या सोते समय रात में बुरे बुरे सपने आते हैं। बुरे बुरे सपने आते रहते हैं और नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। ऐसा भी होता है कि घर की दीवारों पर अजीब अजीब सी आकृतियां भी बनने लगती हैं। और भी कई तरीके हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि कोई बुरी शक्ति आसपास है कि नहीं। अगर आपको अक्सर कोई दुर्गंध आती हो और तुरंत दुर्गंध गायब भी हो जाती हो और बहुत ढूंढने पर भी दुर्गंध का कोई मुख्य स्रोत ना मिले तो ये एक बुरी शक्ति के होने का संकेत देता है। कभी रात में सोते समय घर की कोई भारी चीज़ जमीन पर गिरने से नींद खुल जाए, और ऐसा कई बार हो चुका हो, या फिर रात में सोते समय अक्सर स्लीप पैरालिसिस का सामना करना पड़े, तो यकीनन आपके साथ कोई बुरी शक्ति जरूर है। जिन लोगों को ये नहीं पता कि ये स्लीप पैरालिसिस क्या है, उनको मैं बता दूं कि ये रात में सोते समय होने वाला बहुत ही डरावना अनुभव होता है, जिसमें मनुष्य की रात में अचानक नींद खुल जाती है, लेकिन वो शख्स अपने शरीर को हिला डुला नहीं पाता है। और कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि कोई अनजान साया उस शख्स के सीने के ऊपर आकर बैठ गया हो। ये सभी के सभी होने वाले अनुभव नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्तियों के होने का संकेत देते हैं। अब आइए जानते हैं कि आपके घर में बुरी शक्तियां कैसे और कहां से आती हैं। इसका पहला और प्रमुख कारण गंदगी होती है। अगर आपके घर में गंदे कपड़ों का जमावड़ा हो या घर में अच्छे तरीके से साफ सफाई ना हो, तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवाह और तेजी से होना निश्चित है। किसी सुनसान रास्ते से कोई खाने पीने की चीज़ जैसे मिठाई या नॉनवेज जैसे पदार्थ घर ले जाते समय बुरी शक्तियां पीछे पीछे आपके घर तक आ जाती हैं। और हाँ, आजकल बहुत से लोगों को बिल्लियां पालने का काफ़ी शौक रहता है, तो ज़रा सावधान रहें, क्योंकि बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि काली बिल्लियों में नकारात्मक शक्तियां होती हैं, और कोई आपके घर पर कोई बुरा काम करके बिल्ली को छोड़ दे तो बुरी शक्तियां तुरंत घर में प्रवेश कर जाती हैं। घर पर रखी बहुत ही पुरानी चीज़ और दूसरों की इस्तेमाल की हुई कोई वस्तु नकारात्मक ऊर्जा को बुलावा देने के लिए काफ़ी होती है, क्योंकि दूसरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों में उनकी कुछ ऊर्जा समाहित होती है, और अगर वे ऊर्जा बुरी हुई तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। साथ ही अगर आपके घर पर रखा हुआ कोई सामान बहुत पुराना है और घर के किसी कोने पर कई साल से रखा हुआ है, तो बेशक उस सामान पर बुरी शक्तियों का प्रवेश हो जाता है। अगर कभी घर सुनसान हो और आप घर पर अकेले हों और आपको ऐसा महसूस हो कि कहीं से थोड़ी थोड़ी देर पर पायल की आवाज़ आ रही है, और ऐसा कई दिन से चल रहा हो, तो वे सब बुरी शक्तियों की निशानी होती है। अगर इन सभी बातों में से किसी एक भी चीज़ का अनुभव आप कर रहे हों,
तो तुरंत सतर्क हो जाएं और अपना बचाव करें। इसके साथ ही साफ सफाई पर भी ज़्यादा ध्यान देना होगा, जिससे बुरी शक्तियों से छुटकारा मिल सके।